चाहता है कि उसका कैसा आगे आने वाला समय हो। कभी ये लगा कि स्थिति आ सकती है कि 2014 में आपको अलग रहना पड़े? कभी आ सकती है, आ सकती है। कुछ तो कुछ पॉइंट्स ऐसा है जिस पर डिफरेंसेस हो सकता है। देखिए बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर के साथ राजीव रंजन नाथ की खास बातचीत चलते चलते रविवार रात 8:30 बजे और सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिहार झारखंड पर। मत समझो एक बेगाना है, ये नाता बहुत पुराना है। नमस्कार, आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर, जो मेंबर राज्यसभा भी हैं। उनसे हम बिहार में सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दखल और भारतीय जनता पार्टी के सेहत के बारे में बातचीत करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। डॉक्टर साहब, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सेहत कैसा है, क्योंकि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं? ये बहुत बहुत अच्छा है सेहत भारतीय जनता पार्टी का, बहुत अच्छा है। और बिहार में चारों तरफ लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी आपस में एक नहीं है, सबके अलग अलग आवाज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी एक गुटबाजी किसी की दिखती है। नहीं, गुटबाजी नहीं है, एकदम गुटबाजी नहीं है। बीच में कभी कभी कुछ एवरेशन के तौर पर जदयू लेकर के कुछ लोगों से में ऐसा हुआ था, लेकिन अब फिर वैसा नहीं है कुछ। लेकिन जो आम धारणा ये है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी बचाव के मुद्रा में है और नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही करते हैं, आपकी कुछ नहीं चलती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कुछ है कि भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में है, ऐसा नहीं। मैं जब से अध्यक्ष हूँ तब से देख रहा हूँ, ठीक है, दोनों पार्टी का पुराना संबंध है और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं तो उसका भी एक एडवांटेज तो होता ही है। वो एक बड़े पैमाने पर देखते हैं हमारा क्या हो, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस तरह की बात है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अंतर दोनों पार्टी में नहीं। लेकिन जो 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 देखने को मिल रहा है बिहार में वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के दया की पात्र होकर रह गई है। नहीं, आप चुपचाप नहीं कर पा रहे? नहीं, हम लोग चुपचाप भी नहीं रह रहे और दया के पात्र भी नहीं है। दोनों पार्टी एक तरह से दोनों दोस्त है, दोस्त में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई बड़ा बड़ी है, दोनों पार्टी एक साथ पार्टी है। लेकिन जो स्थिति दिख रही है उसमें यह है कि नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, आपसे पूछते तक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी हाल में जो असेंबली में उपाध्यक्ष बने और चेयरमैन बने इसमें परिषद में, तो उसमें तो जो हम लोग के कैंडिडेट थे उनको बनाया उन्होंने, तो ऐसा नहीं करते हैं कि मनमानी कोई खास नहीं। लेकिन जो फैसले ले रहे हैं उसमें आपसे नहीं पूछा जा रहा है? फैसला तो जो कंबाइंड फैसला होगा, जहां ज़रूरत होगी वहां तो पूछते ही हैं, इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं है। संदेश ये जा रहा है कि नीतीश कुमार स्वयं को सेकुलर साबित करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी से किनारा लगाते हुए दिख रहे हैं? कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही भी सेकुलर पार्टी है, ये कोई कम्युनल पार्टी तो है नहीं। लेकिन कुल मिला के ये लग रहा है कि 2014 से पहले नीतीश कुमार अपना भविष्य कांग्रेस में देखने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की भी सोच रहे हैं? देखिए, वो हो सकता है, हर एक आदमी चाहता है कि उसका कैसा आगे आने वाला समय हो, ये भी हो सकता है। अभी जैसे उन्होंने वोट दिया इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अलग दिया, बिल्कुल, तो ये सब इंडिकेट करता है कि कुछ हो सकता है। जैसे अभी बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के मूवमेंट में आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी रामदेव के मंच पे दिखे और शरद यादव भी मंच पे दिखे, लेकिन आप दोनों के पार्टी में काला धन कोई बड़ा एजेंडा नहीं है? देखिए, काला धन
और विदेश में जो पैसा लोग जमा किया है वो हमारा तो एजेंडा बहुत पहले से, और हमारे जो दल के सबसे पुराने नेता, बड़े नेता जो हैं माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन्होंने इसको इलेक्शन के समय में उठाया, अभी यात्रा भी की थी उन्होंने उस वक्त भी उठाया था उन्होंने। लेकिन ये है कि उस वक्त जितना लोगों को इसको दिलचस्पी होनी चाहिए वो नहीं हो सका। धीरे 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 अब लोग ट्यून हो गया है काला धन और विदेश वाली मुद्रा पर। भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स की नहीं चलती है क्योंकि शायद वो दोयम दर्जे के मिनिस्टर माने जाते हैं और नीतीश कुमार जो चाहते वही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जो जो बड़ा बड़ा विभाग है, कुछ कुछ है हम लोग के यहाँ, उसमें सब मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं। PWD है, नंदकिशोर यादव जी हैं, अच्छा करते हैं। कुछ विभाग फाइनेंस है, सुशील मोदी जी के साथ है, वो भी ठीक कर रहे हैं। और उसके बाद और सब मिनिस्टर है, हेल्थ है, चौबे जी के पास है, वो भी ठीक है। जो सारे लोग हैं अपना काम, मिनिस्टर बढ़िया से काम करें वो अलग बात है, लेकिन कोई रुकावट नहीं है अच्छा काम करने से। लेकिन बिहार के बारे में आम परसेप्शन ये है कि वहाँ नौकरशाही अधिक चल रही है, पॉलिटिकल बॉसेज अपनी भूमिका नहीं निभा कर रहे। देखिए थोड़ा सा ऐसा फीलिंग लोगों में है, मैं इसको नहीं मानता हूँ कि जो सही काम होगा वो करने में नौकरशाही कितना अरंगा लगा सकती है, लेकिन थोड़ा ऐसा है लोगों में कि नौकरशाही कुछ हावी हो रहा है। लेकिन जो जो मिनिस्टर बढ़िया है वो अपना काम करा ले रहा है। कभी महसूस किया कि 7 सालों में आपने जो वायदे किए थे उन 7 सालों में उसमें बहुत संख्यक वायदे पूरे होने से जो नहीं हो पाया? उसमें अभी 2-7 साल में लोग लगा हुआ है, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, अभी तो बिजली में भी मुख्यमंत्री ने कहा अभी इस 15 अगस्त को कि जब तक हम आप लोगों की बिजली की मांग को नहीं पूरा करेंगे तो दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। तो ये लग रहा है कि अगले 2 सालों में जब लोकसभा चुनाव होगा 2014 में तब तक बिहार में बिजली की समस्या खत्म हो सकती है? हाँ, 2 साल में तो खत्म होना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ उसमें राहत मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आप पूरे बिहार का दौरा करते रहते हैं जी, कभी महसूस हुआ कि आम लोगों का जीवन स्तर में सुधार बहुत नहीं हुआ, करप्शन की स्थिति अभी भी निचले स्तर पर? निचले स्तर पर करप्शन है, उसमें इसको झुठलाया नहीं जा सकता है, और लोग इसके विषय में हम लोग से भी कंप्लेन करते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उस करप्शन को कैसे कम किया जा सके। 7 साल हो गए और आम लोगों को लगता है कि बहुत बेहतरी की स्थिति नहीं है, और जब कंपेयर करते हैं लालू यादव के रिजीम से आपकी सरकार के रिजीम का, तो लगता है कि उनका जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। देखिए उनका जीवन में बदलाव आया, जैसे एक बदलाव आया कि पहले तो शाम उम के चलना मुश्किल था, तो जान माल की सुरक्षा तो बहुत बेहतर हो गई। नहीं, लेकिन बिहार में शिक्षा के मामले में अभी भी पलायन रुका नहीं है, लोग अभी भी कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरफ रुक कर जा रहे हैं लोग। बिहार के जो लड़के हैं, बिहार में है कि पढ़ने के लिए बिहार में जितनी रुचि है गार्जियन को और लड़कों को, उतना शायद ही किसी जगह में, हर प्रांत में अगर देखा जाए बिहार, जहाँ भी बढ़िया स्कूल है हिंदुस्तान भर में, वहाँ आप देखिएगा कि बिहार का लड़का है। तो बिहार का लड़का चाहता है कि गार्जियन भी चाहता है कि भाई बढ़िया पढ़ाई हो, वहाँ हम अपने लड़का को। तो ऐसी स्थिति बिहार में क्यों नहीं हो रही हो न? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों नहीं हो रही है, तो इसमें आपको यूनिवर्सिटी को भी सुधारने की ज़रूरत है और स्कूल को भी सुधारने की ज़रूरत है, स्कूल की पढ़ाई को सुधारने की ज़रूरत है। तो उसमें लोग काम कर रहा है, लेकिन और तेज़ी से काम करने की आवश्यकता। आप लोगों की पार्टी की जब JDU से बातचीत होती है तो कभी इस इशू को रखा कि ये आपका फैसला तरफा था, हम संतुष्ट नहीं है? नहीं, इस पर फैसला पर बात होती है, कभी कभी कोऑर्डिनेशन की बात होती है फैसला पर जो, तो वो अभी पैसा की कमी है बिहार को, सब लेकर के बात होती है, तो कैसे इसको कमी को पूरा किया जाएगा। लेकिन शायद वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि MLA से मेरी बात हो रही थी। नहीं, वो रिकमेंडेशन पर होगा, उसके रिकमेंडेशन पर अपने क्षेत्र में इतना रिकमेंड किया, उसका जो कोटा जितना होना चाहिए उतना भी काम हो। बिहार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का दखल कितना है?
बिहार में आपकी कितनी चलती है बीजेपी की? बिहार में चलती है हम लोगों का, एक तो हम लोगों की जो मिनिस्ट्री है उसमें तो अपने लोग मिनिस्टर चलाते हैं। फैसलों में बात कर रहे हैं तो कलेक्टिव फैसला में भी पूछा जाता है हमें से, बीजेपी से पूछा जाता है, ये नहीं है कि नहीं पूछा जाता। जो स्थिति देखने को मिल रही है, सुशील मोदी बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के यस मैन होकर रह गए हैं, किसी इशू पर वो सरकार के खिलाफ या सरकार के फैसलों के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ ना करने की स्थिति में नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, दोनों मिल करके काम करते हैं ऐसा लगता है, और ऐसा नहीं है कि जो एक तरफ से हो हमेशा उसको यस करें, ऐसा नहीं। क्योंकि जब डेढ़ साल पहले नरेंद्र मोदी को बिहार आने की बात थी और उनके सम्मान में दिया जाने वाला डिनर भी रद्द कर दिया गया, तो आपकी पार्टी चुप रही पूरी तरह। ये स्थिति आज भी है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार खासा बिफरे हुए हैं। वो क्या बात है भगवान जाने, दोनों के बीच में कुछ बात हुई होगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन तो नाम लेकर के जरूर बिहार में है गड़बड़ी है। और मैं मानता हूँ बिहार ने इस नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी के आपस में जो झगड़ा हुआ, चाहे झगड़ा नहीं हो वो बिखराव हुआ, उसके चलते जितना नरेंद्र मोदी की माने पब्लिसिटी हुई हिंदुस्तान में, और कोई कारण से नहीं हुआ। बट इतना तो साफ है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे आपकी पार्टी में एक राय नहीं है कि वो 2014 में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने। पार्टी अभी हमारे यहाँ तो डिसाइड करेगी, कई लेवल है डिसीजन का, तो उसमें बैठ के लोग करेगा, जब करेगा तो जिसके विषय में करेगा उसको सब लोग सपोर्ट करेगा, ऐसा है हमारे पार्टी में। करने के बाद कोई बिखराव नहीं होगा, लेकिन पार्टी अभी इस पर विचार नहीं की है, या तो बहुत पहले करना ठीक नहीं है, तो विचार करेगी, उसके बाद सब लोग उसको समर्थन करेंगे जिसका भी नाम पार्टी चलाएगी। लेकिन आपकी पार्टी में तो पार्टी अध्यक्ष की कम और आरएसएस की अधिक चलती है। आरएसएस का भी तो हम लोग भी अंग हैं, एक हम लोग भी आरएसएस के एक तरह से इकाई, पार्टी तो पहले वही शुरू हुई, और उसी शुरू में उनसे निवेदन किया गया माननीय गुरु गोलवलकर जी से कि आप एक राजनीतिक पार्टी बनाइए, और राजनीतिक पार्टी बनी, उस वही पार्टी आगे बनते 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 एक समय आया जो बीजेपी बन गई, भारतीय जनता पार्टी 80 में बन गई। और एक समय ही आया कि 3 साल पहले संघ ने कहा कि नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष होंगे, आप उनको मानिए। हाँ, तो मान लिया, अगर मान लिया कि कहें तो मान लिया, वो ठीक है, ये लोग ही माना, कोई उनसे बहुत अलग हम लोग नहीं हैं, वो तो है, हम लोग के ऐसा करीब हमको लगता है 50 या 60 इकाइयाँ हैं उसमें संघ में, शिक्षा पर है, कुछ पर है, कई चीज़ें हैं। ये भी एक पॉलिटिकल पर्सन देखता है, ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ज़्यादा बड़ा हो गया ही भारतीय जनता पार्टी ऑल ओवर इंडिया में, करीब करीब साउथ के थोड़ा छोड़ के, थोड़ा ईस्ट में छोड़ के फैलाव बहुत हुआ इस पार्टी का, और तो इस पार्टी का हुआ तो संघ का भी हुआ, इसलिए काम लोग मिलजुल के करता है, ये नहीं है कि संघ कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले लेते हैं, थोप देते हैं, ऐसा भी नहीं। ये थी पहले दौर की बातचीत, अगले दौर की बातचीत में डॉक्टर सीपी ठाकुर से जानना चाहेंगे कि बिहार में पार्टी वर्कर्स की क्या स्थिति है और पार्टी वर्कर की इनसे क्या उम्मीदें हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। गोदरेज एक्सपर्ट ब्लू पैक के साथ पाइए एक कलरिंग कोम फ्री, मतलब अब हेयर कलर करना हो गया और भी आसान। मैं हूँ सर्दी, मैं हूँ खांसी, अब लड़ेगा हमारा साथी पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कप सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। अब एक साल के लिए बढ़ाएं अपने मोबाइल की उम्र और वारंटी कार्ड के साथ, लॉन्ग लाइफ योर चाइनीज मोबाइल, कॉन्टैक्ट फॉर डीलरशिप। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। जब आपके पास हो मुट्ठी से फिसलते वक्त सीधा, और दिल की धड़कन से भी तेज हो खबरों की रफ्तार, बिना ब्रेक की खबरों का वन स्टॉप खबर नॉन स्टॉप देखिए रोजाना रात 9 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिहार झारखंड पर।
गोदरेज एक्सपर्ट ब्लू पैक के साथ पाइए एक कलरिंग कोम फ्री। मतलब अब हेयर कलर करना हो गया और भी आसान। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। क्या आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं? मेरे जैसी एंकर, मेरे जैसा वीडियो एडिटर, मेरे जैसा एक प्रिंट जर्नलिस्ट, मेरे जैसा कैमरा पर्सन, मेरे जैसा प्रोड्यूसर, मेरे जैसे रिपोर्टर। मीडिया में अपने उज्जवल भविष्य की ओर एक जबरदस्त शुरुआत के लिए ज्वाइन करें इंडिया न्यूज ग्रुप की अपनी इंडिया न्यूज मीडिया एकेडमी के मान्यता प्राप्त ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज। संपर्क करें। गोदरेज एक्सपर्ट ब्लू पैक के साथ पाइए एक कलरिंग कोम फ्री। मतलब अब हेयर कलर करना हो गया और भी आसान। बिन आंसू के देखो रोना, मत समझो इनको कोई खिलौना। आइए आइए, 20 में 60। हमाम महंगाई के जमाने में कोई चीज 20 में 60 मिले ना मिले, इंडिया न्यूज बिहार झारखंड पर आपको जरूर मिलेंगी। 20 मिनट में 60 खबरें, आपके मतलब की हर खबर 20 मिनट में। हम देखिएगा जरूर, बताए दे रहे हैं। रोजाना शाम 5 बजे और रात 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिहार झारखंड पर। डॉक्टर ठाकुर, आपके आम वर्कर आपसे खुश नहीं है, उनको लग रहा है कि चले गए हैं और जो आपने सपने दिखाए थे बेहतरी के, उनके उज्जवल भविष्य के, वो शायद नहीं हो पा रहा है और सरकार उनकी नहीं सुन रही है। देखिए, कुछ शिकायत है, इसमें हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वर्कर जो हमारा है उसको मैं बराबर कहता हूँ। हमारे एक संघ के अध्यक्ष ही थे, इस शब्द को प्रयोग किया था कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता, जो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता ही बीजेपी को इतना उठा के आगे रखा है। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि वर्कर को जितना जितनी सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा होने मिले, और कोई गलत सुविधा नहीं मिले, लेकिन जो सही सुविधा मिलनी चाहिए जहाँ तक हो सके हम लोग भी उसको मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आम कार्यकर्ता एक आपके ही मंत्री से मिलने का साहस नहीं कर पा रहा है। नहीं, आजकल तो मिलते हैं, मंत्री भी मिलते हैं, लेकिन साहस करना चाहिए। उन्हीं के मंत्री हैं वो, जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं के मंत्री हैं, हर एक मंत्री से मिलना चाहिए, और कोई कमी हो तो हम लोगों के आकर के कहें, हम लोग उनके समस्या। बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी के कैंडिडेटर को सपोर्ट किया जी, उससे ये हिंट मिलता दिख रहा है कि वो कांग्रेस के करीब जाना चाहते हैं, शायद इसलिए कि सेक्युलर के नाम पे। तो ये लगता है कि 2014 में आपको अपने बूते चुनाव लड़ना पड़ेगा अकेला। हमको ऐसा नहीं लगता है कि अकेले लड़ना पड़े, लेकिन हम लोग इसकी तैयारी, चुनाव की तैयारी हमेशा करते रहते हैं। बीजेपी में चुनाव तैयारी करना एक प्रमुख विषय में से रहता है। नहीं, लेकिन तैयारी क्या इस बात को लेकर के भी है कि आप अकेले लड़ेंगे? अकेले लड़ेंगे तो निर्भर करेगा कि चुनाव के वक्त पर आने पर होगा, लेकिन तैयारी सबको करना है पूरे बिहार का। जिस तरीके से नीतीश कुमार अभी तो असर्ट कर रहे हैं, लग रहा है कि आपको अलग होना पड़ेगा। वो ऐसा अभी नहीं लग रहा है, अगर इससे ज्यादा अगर कुछ बढ़ेगा तो लगेगा, लेकिन अभी नहीं लग रहा है। एक ठीक है, थोड़ा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दोनों पार्टी ने अलग अलग वोट किया, फिर बाद में वाइस प्रेसिडेंट में ठीक हुआ, फिर थोड़ा बहुत लगता है कभी कभी कि कुछ लगाव हो जाता है, स्टेटमेंट वगैरह लोग दे देते हैं, फिर ऐसा हुआ कि नहीं हम लोग को नहीं देना चाहिए, तो अब लगता है कि हम लोग एक रास्ते पर हैं। तो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि गठबंधन टूटेगा, बहुत पुराना गठबंधन है, बहुत दिनों से चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और मिला जुला के चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं।
लेकिन जनता दल यू के एमएलए जो मिनिस्टर से मेरी बात होती रहती है, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि 2014 में हम अपने बूथ पे अलग चुनाव लड़ें। अच्छा, वो एक उनका ये हमको नहीं लग रहा है, लेकिन उन लोगों को लग रहा है तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़ेंगे तो हम लोग अलग अलग होकर के लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी डर रही, सो बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अलग अलग चुनाव लड़ने की आवश्यकता हो। बट कभी ये लगा कि स्थिति आ सकती है कि 2014 में आपको अलग लड़ना पड़े? कभी आ सकती है, आ सकती है। कुछ तो कुछ पॉइंट्स ऐसा है जिस पर डिफरेंसेस हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो बिहार के बारे में और नीतीश कुमार के काम करने के बारे में जो धारणा वही है कि एक मिनिस्टर उनसे मिलने का साहस नहीं कर पाता नहीं, ये जो चीजें हैं तो एक्सेस नहीं है। एमपी कहते हैं कि हम अखबारों के बयान से हम उनका रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो फिर शुरू किया उन्होंने, जो कार्यकर्ता से मिल रहे हैं उस दिन एमपी को भी बुलाएंगे, उस क्षेत्र के कार्यकर्ता। मंडे एक ऐसा होता है, फोर्थ मंडे, जिसमें कि सारे मिनिस्टर रहते हैं और चार जिला का कार्यकर्ता रहता है, दोनों पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं, और कार्यकर्ता को जो भी डिमांड है वो बोलना है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बोलते हैं, उसके बाद जदयू के अध्यक्ष बोलते हैं, उसके बाद सुशील मोदी जी बोलते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जी का। लेकिन जो जनता दरबार है चीफ मिनिस्टर, वो उस दरबार में जितनी शिकायतें होती हैं उस पर शायद ही कोई कार्रवाई होती है? नहीं, वैसा होना नहीं चाहिए। हम तो एग्जैक्टली उसका नहीं कर सकते हैं, चूँकि हम देखे नहीं है जनता दरबार के क्वेश्चंस वगैरह और काम को। लेकिन काम ऐसा कुछ नियम बना देना चाहिए कि एटलीस्ट जो सही काम लेकर के कोई देहात से गरीब आदमी आता है उसका काम हो जाना चाहिए। वो जैसे कृष्ण सुदामा वाली बात है, घर पर जब तक वो जाए तब तक उसका काम हो जाए, ये नीति को अपनाना चाहिए। जो नहीं हो पा रहा है, जो नहीं हो पा रहा है। 2014 के चुनाव में आपको ये लगता है कि जो एजेंडे आपके हैं उन एजेंडों पर बिहार की जेडीयू आपके साथ होगी? हमारा एजेंडा तो कोई कैसे बिहार देश का एजेंडा जो है, बिहार में विकास, बिहार का आपका जो विकास एक एजेंडा है, और देश में जो इस वक्त जो इतना ज़्यादा करप्शन जो हुआ है वो मुख्य एजेंडा है। और मेरा तो मानना है, पर्सनल है, कि सबसे बड़ा एजेंडा पूरे देश में होना चाहिए कि अगर इतना करप्शन नहीं होता तो इस देश की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर नहीं होती जो अभी है। और इतने लोग जो हायतवा मचा रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि मुख्य जो जहाँ जमा है उसी में से आप निकालते जा रहे हैं तो आपके लिए बच क्या जाएगा? तो वो हालत अभी देश में हो गया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जनता भारत सरकार के ये करप्शन से परेशान है, इसको रोकना है, देश को बचाना है। बिहार में जो भूमिहार जाति है जी, वो जेडीयू के अधिक करीब अपने को मानती है बनिस्पत के बीजेपी के, तो उसका क्या कारण होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बीजेपी के ही सबसे ज़्यादा नज़दीक वो लोग बीजेपी के साथ रहें। और जितना इस बार जीते बिहार में एमएलए में, उतना तो उसके पहले कभी नहीं वो लोग जीते थे। बिहार में काफ़ी लोग जीते हैं, और सभी जात में हम लोग चाहते हैं कि हमारा एंट्री हो जाए, मैंने भूमिहार में हो रहे बरकरार। क्या है कि पहले तो बीजेपी एक तरह से खड़ा किया हुआ है भूमिहार लोगों का, तो उसमें रहे। उसके बाद जो ब्राह्मण है, दो तरह का ब्राह्मण है, एक कानखूज लोग हैं जो पश्चिम तरफ हैं, एक मैथिल हैं जो उत्तर तरफ हैं। इन लोगों में कैसे हमारा पैठ ठीक से बना रहे। फिर राजपूत लोग हैं, उनका भी बहुत कैंडिडेट इस साथ जीत के हमारे पार्टी में आया, उसमें हमारा पैठ कैसे बना रहे। इसलिए हम लोग उस सब को लेके एक साथ चलते हैं। बैकवर्ड जो है उसमें कम सीट आया है कुशवाहा से हम लोगों को, तो हम लोग चाहते हैं कुशवाहा में हम कैसे आगे इन रोड से ज़्यादा करें। इस तरह से अति पिछड़ा है, हरिजन है, दलित है, महादलित है। दलित महादलित में इस बार हम लोगों का सीट बहुत आया, 9 केवल पासवान लोग हमारे मिले, इतना हमारे यहाँ पहले नहीं था, तो काफ़ी है पासवान लोगों का। उनको हम कैसे मेंटेन करें, रखें उस नंबर को और आगे बढ़ा सके।
दूसरे जो वहाँ दलित लोग हैं उसमें हम हमारा कैसे बढ़े, तो हम लोग सब पर काम कर रहे हैं, फ्रॉम नीचे से लेकर के मुसलमान पर भी काम कर रहे हैं कि मुसलमान हम लोग के साथ मुसलमान रहे, और चाहते हैं लोग आना हमारे साथ भी आना चाहते हैं मुसलमान। अंत में एक सवाल, 2014 में आपके गठबंधन के सामने कौन सी ऐसी पार्टी है जिससे आपको सीधा टकराव होगा? देखिए बिहार में तो कांग्रेस पार्टी समाप्ति है, और अगर कांग्रेस आरजेडी का आरजेडी का खतरा बना हुआ है और ये रामलीला जी के सब एक साथ लोग कहता है कि लड़ेंगे जैसा सुनने में आ रहा है, तो वही एगो पार्टी लड़ सकती है, और तो बिहार में इस सब पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं। मिस आपको लग रहा है कि आरजेडी आज भी आपकी आपके गठबंधन के लिए चैलेंज है? आरजेडी का वोट बैंक तो है ही है, वोट बैंक है उसको, और उसको और लोग भी उसके साथ अगर रहेंगे तो एक चैलेंज वही सब होगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी आज की बातचीत, अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं, फिलहाल लेते हैं विदा। मशहूर अभिनेता एके हंगल का आज मुंबई के आशा पार्क अस्पताल में निधन हो गया। 1914 में जन्मे हंगल ने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके बेटे विजय हंगल ने बताया कि हंगल साहब को गिरने से उनके कोल्हे में फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटी आराध्या को जन्म देने के बाद ऐश्वर्या राय का वजन काफी बढ़ गया था, इस वजह से उनकी काफी आलोचना हुई, पर अब वो फॉर्म में वापस लौट आई हैं। हाल ही में उन्हें कई पब्लिक इवेंट्स में देखा गया, हो सकता है ये उनकी कॉम्पिटिटर्स के लिए खतरे की घंटी हो। बॉलीवुड में शुमैन के नाम से मशहूर फिल्म निर्माता सुभाष घई एक बार फिर से लाइट कैमरा एक्शन बोलते नजर आएंगे। घई की ये फिल्म मसाला मनोरंजन और एक्शन से भरपूर होगी। घई ने अपने फिल्म स्कूल व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल पर ध्यान देने के लिए फिल्मों के निर्देशन से दूरी बना ली थी, लेकिन वो शीघ्र ही कैमरे के पीछे नजर आएंगे। अनुराग कश्यप की गैंग ऑफ वासेपुर अच्छी चली थी, उम्मीद थी कि वासेपुर 2 को भी वैसे ही दर्शकों की भीड़ मिलेगी, लेकिन फिल्म के प्रति दर्शकों का उत्साह थोड़ा कम दिखा। कई ऐसे समीक्षक थे जिनको पहले की तुलना में दूसरी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी थी। दर्शक तो दर्शक होते हैं, उन्होंने वासेपुर 2 को पहले की तरह तवज्जो नहीं दी। निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली 49 वर्ष की उम्र में भी अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। संजय ने कहा कि वो अपनी बहन बेला सहगल की फिल्म श्री फरहाद की तो निकल पड़ी के विषय से पूरी तरह सहमत हैं, जो 40 पार कर चुके अविवाहित लोगों पर केंद्रित है। संजय ने कहा, मैं बेला की इस धारणा को पूरी तरह से मानता हूं और सहमत हूं कि शादी की उम्र निकल जाने के बाद भी लोगों में प्यार के प्रति आकर्षण खत्म नहीं होता। अभिनेत्री बिपाशा बसु ये स्वीकार करती